नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। रीवा में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर नदी में फेंक दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने देखा और उसकी जान बचाई, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के मोहरिया पुल में बीती शाम एक युवक पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और बाद में मृत समझ उसे पुल के नीचे नदी में फेंक दिया। लेकिन ये नजारा कुछ स्थानीय लोग देख रहे थे। जैसे ही आरोपी वहां से भागा, स्थानीय लोगों ने युवक को पानी से बाहर निकाल दिया। बताया गया है कि मोहरिया गढ़ निवासी विनय कुमार चतुर्वेदी बीती शाम अपने घर से बाजार की ओर गया हुआ था। वापस आते समय जैसे ही पुल के पास पहुंचा, आधा दर्जन की संख्या में आरोपियों उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, युवक के कान काट नदी में फेंक दिया। फिलहाल युवक का इलाज अभी संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। विनय के पिता बद्री प्रसाद ने बताया कि अभी हाल ही में विनय का विवाह हुआ है और बीती शाम वह बाजार खरीदारी करने गया हुआ था। बद्री प्रसाद का कहना है कि आरोपी मोहरिया के ही निवासी है, लेकिन दोनों के बीच क्या रंजिश थी इस बारे में अभी बद्री प्रसाद कुछ नहीं कह पा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस के माध्यम से युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो अभी भी बेहोशी के हालत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। रोशन लाल चतुर्वेदी, जो आपके बच्चे के ऊपर हमला हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन किया? ये मोहरिया स्कूल, ये हमला मोहरिया गांव से एक नदी निकलती है, उसमें पुलिया है। वहाँ लड़का दुकान से वही पास है, जाके सामान लिया और फिर बोला गाड़ी धो लेते हैं। गाड़ी धोते सही में 6 लोग पहुँचे और टांगी थी, एक टांगी थी, एक के हाथ में गुप्ती टाइप थी और इनके 4 के पास लट्ठ था। पहले ताक लगाए थे क्या? अब इनको गाड़ी धोने के टाइम में करीब 1 घंटा गाड़ी धोया है और उसी बीच में इन्होंने ये किया है। फिर कोई रंजिश होगी अचानक? ये अपने को कोई पता नहीं सर, आज तक पता नहीं गांव में भी, ना उनके माँ बाप ने शिकायत दिया, ना लड़के ने दिया, कोई शिकायत नहीं है आज तक हमारे पास। ये आरोपियों के नाम क्या क्या है? आरोपियों के नाम है, पहला है अंगिरा प्रसाद उर्फ गुड्डू, दूसरा है रामदेव तिवारी, एक है महेंद्र प्रसाद तिवारी, एक है वेद प्रकाश उर्फ दीनू और एक है शंभू साहू। ये 4 मोहरिया के हैं और ये शंभू साहू और गोमती साहू एक ग्राम कोरी के, उनका भी थाना गढ़ी है। और घायल का नाम क्या है? घायल तो पुत्र का नाम विनय कुमार चतुर्वेदी। और आपका नाम? बद्री प्रसाद चतुर्वेदी और रोशन लाल। कहाँ के रहने वाले? ग्राम मोहरिया। थाना गढ़। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।